Good morning, my dear student. This is your English class, and today we will start our new chapter, that is chapter 3, Laugh and Be Happy. Yes, students, your chapter name is Laugh. Laugh means hasi and happy means khushi. तो हाँ बच्चों, आपके chapter का नाम क्या है? हसी है और खुश रहिए, ठीक है? तो you people should laugh more and more and make yourself happy. तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इट विल गिव अ गुड एंटरटेन टू यू. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. दिस इज आवर चैप्टर बच्चों, सेक्शन थ्री, लाफ एंड बी हैप्पी. सो हियर द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इट इज गिवन बच्चों. वी ऑल नो दैट लाफ्टर इज ए प्राइसलेस मेडिसिन, बट समटाइम्स समवेयर In our mind and heart, we feel that there is nothing to laugh and be happy about. हम जानते हैं कि laughter क्या है, एक बिना किसी मुफ्त की, बिना पैसे की, जिसका कोई cost नहीं है, ऐसी दवा है. और कभी कभी हम और कभी कहीं कहीं हमारा दिमाग होता है और हमारा जो दिल होता है, ऐसा लगता है हमें कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है हंसने के लिए और खुश रहने के लिए, ठीक है बच्चों. लेकिन हमें हंसते रहना चाहिए, हर एक सिचुएशन में अपने आप को खुश रखना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. आई एम रीडिंग इट एंड एक्सप्लेनिंग इट टू. सो लेट मी जूम इट. ओके. ऑन संडे इवनिंग एज आई सेट इन ए रेस्टोरेंट एंजॉइंग माई टी एंड द कंपनी ऑफ सम फ्रेंड द साउंड ऑफ गीगल्स अंडरलाइन बच्चों एंड लाफ्टर ड्रिफ्टेड ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल. आई टर्न टू सी वॉट वॉज हैपनिंग देयर. द टेबल सेट ए फैमिली विद टू टीनेज डॉटर हु आर लॉफिंग एंड गिंगलिंग. द मदर ग्रू मोर एंड मोर इम्पेशेंट विद द गर्ल्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल देमसेल्फ. इम्पेशेंट बच्चा अंडरलाइन द वर्ड इम्पेशेंट. आफ्टर सम टाइम विद ए स्टर्न एक्सप्लेनेशन स्टर्न ऑल्सो She said, "Girls, that is enough laughing for today." So I am going to explain this much. देखिए बच्चों, संडे की शाम थी और जो नरेटर है वो रेस्टोरेंट में बैठे थे. वो अपने टी को, अपने चाय को अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे थे. तभी द साउंड ऑफ गीगल्स में सोता बच्चों बहुत तेजी तेजी से हंसना, हाँ, खूब तेज़ी से जब हंसी आती उसको हम बोलते हैं गीगल्स. तो वो आ रही थी नेक्स्ट टेबल से. जब वो मुड़े देखने के लिए वो साउंड कैसा है, तो उन्होंने देखा कि दो टीनेज डॉटर बच्चों क्या होता है, जब उम्र आपकी 13 to 19 के बीच होती है, मतलब हमारी उम्र 13 साल से ज़्यादा और 19 ईयर से कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं टीनेजर्स. वो किशोरावस्था होता है. दो लड़कियाँ थी जो खूब क्या कर रही थी, गिगलिंग कर रही थी, खूब तेज़ी से ठहाके मार मार के हंस रही थी. उनकी मदर उनके साथ बहुत ही इम्पेशेंट हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी उन लोगों की ऐसी हरकतों को देख के. कुछ समय बाद वो स्टर्न लुक देती है, एक स्ट्रिक्ट लुक देती है, स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन देती है और कहती है, गर्ल्स दैट इज़ एनफ लाफिंग फॉर टूडे. तो कहती है कि लड़कियाँ अब आज के लिए हंसना बंद करो, ये काफ़ी हो गया. नाउ नेक्स्ट, द गर्ल्स आई वर ट्राई टू कन्विंस देयर मदर दैट दे वर यूजिंग अप देयर कोटा बच्चों अंडरलाइन कर लीजिएगा ऑफ लाफ्टर रिजर्व फॉर मंडे. एनी वे दे सेड वी वुडंट बी एबल टू लाफ एज मच मोर बिकॉज वी विल बी इन स्कूल. तो आगे कहती हैं बच्चियाँ वो कि गर्ल्स, वो जो लड़कियाँ होती हैं अपने मदर को कन्विंस करती हैं. देखिए यहाँ पे दिया हुआ कन्विंस भी होता है बच्चों, मनाना किसी को, किसी चीज़ को क्या करते हैं, जब हम मनाते हैं अपने बातों से राजी करते हैं किसी को, उसको बोलते हैं हम कन्विंस. तो वो कह रही हैं कि वे अपना कोटा यूज कर रही हैं. कोटा मीन्स पार्ट, मीन्स किसी चीज़ का एक सप्लाई लिमिटेड होता है तो उसको हम कोटा बोलते हैं. तो यहाँ पे कोटा का मतलब है पार्ट, वो अपने हंसने का पार्ट जो कि उनके मंडे का बचा हुआ है, रिजर्व फॉर मंडे के लिए बचा हुआ है, उसको यूज कर रही हैं क्योंकि वो कल उतना हंस नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वी वुडंट
be able to laugh as much more because we will be in school. क्योंकि वो कह रही हैं कि नहीं हम हंसेंगे और क्योंकि हम अपना पार्ट यूज कर रहे हैं हंसने का जो मंडे के लिए बचा हुआ है और हम कल हम हंस नहीं पाएंगे क्योंकि हम स्कूल में होंगे, ऐसी वो लड़कियां अपनी मम्मी से कहती हैं। फिर आगे क्या होता है, इट सीम्स टू मी दैट द गर्ल्स ऑलमोस्ट सेड वी डोंट हैव टू रेशन आवर लाफ्टर एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी। इट वॉज देन आई रियलाइज दैट इंस्टेड फॉर वेटिंग फॉर थिंग्स एंड इवेंट अराउंड अस टू मेक अस हैप्पी वी मस्ट फाइंड देम। फिर आगे हमारे ऑथर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि गर्ल्स कह रही हैं कि हम लोग अपने जो वो लाफ्टर अपनी हंसी को क्या करते हैं, लिमिट नहीं कर सकते हैं, मीन्स सीमित नहीं कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि वेट नहीं करना चाहिए, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। तो ऑथर को लगा, तब ऑथर ने रियलाइज किया, ये महसूस किया कि किसी मतलब घटना या फिर किसी चीज़ का थिंग्स मिस घटना और फिर थिंग्स मिस किसी भी चीज वस्तु की या फिर किसी भी इवेंट के में वेट नहीं करना चाहिए खुश रहने के लिए, हमें बल्कि उन्हें खोजना चाहिए, उन्हें फाइंड करना चाहिए ताकि हम खुश रहें। All of us know that laughter is good for us, but we often feel that there is nothing to laugh about. In this situation, try some laughter technique. हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं laughter क्या है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हंसना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है हंसने के लिए। जब ऐसी परिस्थिति हो कि हमें पास कुछ भी ना हो हंसने के लिए, इस सिचुएशन में हमें कुछ तकनीक को पाना चाहिए हंसने के लिए। ओके बच्चों, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट।